रिया चक्रवर्ती को मिल गई है कोई पावरफुल सपोर्ट? जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद अगर उनके जो पब्लिक अपेयरेंसेस हैं उनको नोटिस किया जाए तो उनके कपड़े, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और उनके हाव भाव से ये बात क्लियर होती है कि वो रिया जो सुशांत की डेथ के बाद कई दिनों तक बेचारी नजर आई, वो रिया आज एक अलग ही रूप में नजर आई। आज का रूप मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको पिछले कुछ रिया के रूप डिस्कस करना चाहती हूं। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती मॉर्चरी के बाहर नजर आई। जाहिर सी बात है, मुंह पर मास्क था, सिर पे दुपट्टा था, दुखी नजर आ रही थी, कोई पकड़ के कार तक ला रहा था। नेक्स्ट टाइम रिया चक्रवर्ती नजर आई बांद्रा पुलिस स्टेशन में, वहां पर भी रिया चक्रवर्ती उसी लुक में नजर आई, व्हाइट सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा। और जब अपना स्टेटमेंट देकर निकली तब रिया ने मीडिया का आभार भी जताया हाथ जोड़कर। हालांकि आगे जाकर उसी रिया ने एक बार मीडिया को देखते ही अपनी कोनी अपनी कार के ऊपर दे मारी, वो बात अलग है, लेकिन टाइम टाइम पर रिया के ये रूप बदलते रहे हैं। पुलिस स्टेशन के बाद रिया चक्रवर्ती नेक्स्ट टाइम जब नजर आई तब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था अपना खुद का, जिसमें वो बहुत ही दुखी नजर आई और उन्हें ऐसा लग रहा था विक्टिम बनाया जा रहा है, तो उस लुक में उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया। ये तब की बात है जब सुशांत की फैमिली ने रिया के खिलाफ FIR कर दी थी और तब रिया ने अपनी बात रखी थी और कहा था कि सच जरूर सामने आएगा। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई, CBI बीच में आई, ED बीच में आया। इन सभी जगहों पर रिया इसी तरह से सलवार सूट दुपट्टों में और गर्दन झुकाए ही नजर आई, मीडिया की तरफ देखती भी नहीं थी, उनका चेहरा उन्होंने कम से कम दिखाने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे रिया के तेवर बदलने लगे। ये तेवर तब से बदलने लगे जब से रिया ने वो फ्रेंडली मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया। उससे पहले रिया भी सुशांत को लेकर फिक्र जता रही थी, बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन जब फ्रेंडली मीडिया को रिया ने इंटरव्यू दिया तो रिया एक अलग ही टोन में नजर आई और उन्होंने बहुत कुछ सुशांत की फैमिली पर डाल दिया और बचा खुचा जो ब्लेम उनके ऊपर आ रहा था वो उन्होंने सुशांत पर डाल दिया, जो इस दुनिया में है ही नहीं उनकी तरफ से जवाब देने के लिए। नेक्स्ट दिन से रिया चक्रवर्ती की CBI से पूछताछ शुरू हो गई, वहां पर भी रिया चक्रवर्ती वैसी ही नजर आई। फिर जब से NCB ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को अरेस्ट किया तब से उनके घर के आसपास मीडिया का माहौल और ज्यादा बढ़ गया। और जिस दिन रिया चक्रवर्ती NCB को अपना बयान देने के लिए अपने घर से निकल रही थी उस दिन उनके घर के बाहर जबरदस्त मीडिया का जमावड़ा था और उस दिन रिया चक्रवर्ती ने कोशिश की कि वो मीडिया के सामने आए भी ना, वो दौड़कर कार में बैठ गई। जब वो NCB के ऑफिस पहुंची तो वहां पर जाहिर सी बात है मीडिया पहले से ही इकट्ठा था। ऐसे में तब इतने मीडिया के बीच से निकलते हुए रिया चक्रवर्ती ने कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस देने की कोशिश की कि लगे कि मीडिया ने उन्हें मॉब कर दिया। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई तो इसका सलूशन भी निकाला गया। शाम को बैरिकेड्स लगा दिए गए, मीडिया को बाहर रख दिया गया, रिया चक्रवर्ती आराम से अपनी कार में बैठी और आराम से अपने घर गई। लेकिन घर जाते ही रिया चक्रवर्ती दौड़ कर लिफ्ट में बैठ गई। पहला दिन NCB का निकला, दूसरे दिन भी रिया ने यही किया। उन्होंने उस दिन हुडी पहनी और मास्क पहना। उनका ये लुक देखकर ऐसा लगा कि जैसे रिया किसी मिशन पे हो और शाम को उनका वो मिशन समझ में भी आ गया। वही हुडी और मास्क पहने रिया चक्रवर्ती नजर आई बांद्रा पुलिस स्टेशन में और तब उन्होंने सुशांत की बहनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी, FIR दर्ज करवा दी। सबसे बड़ी बात तो ये कि रिया चक्रवर्ती जब पुलिस स्टेशन गई तो तुरंत उनका काम भी हो गया, FIR लिख दी गई, FIR को आगे CBI को ट्रांसफर भी कर दिया गया। वही मुंबई पुलिस जो पिछले 60 दिन में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बारे में सही सही कुछ जवाब नहीं दे पाई, वही मुंबई पुलिस जिसके पास FIRs और कंप्लेंट्स की फाइल्स पड़ी हुई है, वो रिया का काम ऐसे करती है जैसे उसके ऊपर कोई प्रेशर हो, कोई दबाव हो, किसी ने कहा हो कि इसका काम अर्जेंट में करना है। अगर आपने नोट किया हो तो इस दिन पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त रिया चक्रवर्ती काफी कॉन्फिडेंट दिखी। इनफैक्ट कई उनके पिक्चर्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मीडिया के कैमरास को आई कॉन्टेक्ट भी दिया। जी हाँ, कल शाम को जब कंप्लेन करती हुई रिया चक्रवर्ती निकली तो ना उन्होंने चेहरा छुपाया और ना ही वो भागकर अपनी कार में बैठी, वो आराम से जाकर अपनी कार में बैठी। और आज सुबह जब रिया चक्रवर्ती NCB के ऑफिस गई तो ना सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज ने बहुत कुछ कहा बल्कि आज तो उनके कपड़ों ने भी बहुत कुछ कहा। रिया ने आज एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का श्रग भी था। उनकी टी शर्ट पर लिखा था, रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की, मी एंड यू।
कुछ इस तरह से अपना वुमेन पावर रिया चक्रवर्ती ने बताया है और अपने कपड़ों से मैसेज देने की कोशिश की है। उनके श्रग पे जो पिक्चर थी वो भी एक मैसेज ही था। इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज भी आज पहले से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और रिया चक्रवर्ती ने आज जब एनसीबी में एंट्री मारी तो ऐसे एंट्री मारी कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो। ये कॉन्फिडेंस उनके ऊपर दिख रहा था उस FIR का जो उन्होंने सुशांत की फैमिली के खिलाफ की। यानी कि रिया चक्रवर्ती ने ये मैसेज दिया है आज की अपनी इस बॉडी लैंग्वेज से कि अब वो फाइट में पूरी तरीके से उतर चुकी है और वो भी अपने तरफ की लड़ाई बराबर लड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक अब रिया चक्रवर्ती को ये पावर कहां से मिली? क्या इंडस्ट्री में कोई ऐसा है जो रिया चक्रवर्ती को पावर दे रहा है या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कोई ऐसा है जो रिया को पावर दे रहा है? क्योंकि जहां तक रिया के फादर की बात है तो उनके फादर ने कुछ ही दिनों पहले मैसेज करके कहा था कि किस तरह से इंडिया के लोगों ने उनकी फैमिली को तोड़ दिया, उनकी मिडिल क्लास फैमिली की। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के कपड़े, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके ये तेवर कुछ और ही बयां करते हैं।